हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में शेयरइट एप्लीकेशन इंडिया में बैन होने के बावजूद भी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि शेयरइट जो है एंड्रॉयड और आईफोन में फोटोज़ वीडियो शेयर करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। शेयरइट एप्लीकेशन से क्वालिटी भी रिड्यूस नहीं होती है और बहुत सारी फास्टली फोटोज़ वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में शेयरइट भी इंस्टॉल है और आईफोन में भी शेयरइट इंस्टॉल है। एंड्रॉयड फ़ोन में शेयरइट इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप जस्ट क्रोम ब्राउज़र में जाओ और जस्ट क्रोम ब्राउज़र में टाइप कर लो शेयरइट एप्लीकेशन या APK डाउनलोड, तो आप शेयरइट को इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके। लेकिन आईफोन में थोड़ा सा प्रोसेस पेचीदा है, तो मैं आपको आईफोन वाला प्रोसेस बताऊँगा। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आईफोन 6s में मेरा जो शेयरइट है वो इंस्टॉल्ड है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गाइस, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब करते हैं आईफोन वाला प्रोसेस शुरू। तो दोस्तों, आपको आईफोन में मैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करवाऊंगा, वैसे भी होगा भी नहीं, और ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करेंगे और पूरा एक नंबर मेथड यूज़ करेंगे, कोई भी फ्लॉप मेथड नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ऐप स्टोर में जाना है आईफोन में। सो जस्ट ऐप स्टोर को ओपन करो और यहाँ पर आपको अपने ऐप स्टोर को रीलोड होने दो और टुडे वाले सेक्शन में जाकर अपनी एप्पल आईडी की प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो और अपनी एप्पल आईडी पे प्रेस करो। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोडिंग शो हो रहा है। आपसे पासवर्ड, फेस आईडी या टच आईडी मांगा जाएगा। आपका अगर फेस आईडी वाला डिवाइस है तो फेस आईडी दो, अगर आपका पासवर्ड मांग रहा है तो पासकोड वेरीफाई करना पड़ेगा एप्पल आईडी का। अपना पासकोड एंटर करो और साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 5 से 6 ऑप्शन शो होंगी। आपको तीसरे नंबर country/region वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको चेंज country/region का ऑप्शन दिखाई देगा। और अब आपको जो जो मैं सेम टू सेम सेलेक्ट करूँ, आपको भी सेम सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली हम जो है कंट्री का रीजन चेंज करके, आईफोन का रीजन चेंज करके एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लो और फिर अब जो मैं इंफॉर्मेशन फिल करूँगा वो ही आपको सेम टू सेम फिल करनी है। पेमेंट मेथड पे नन के ऊपर सेलेक्ट करो और अब जो एड्रेस फिल करना है वो सेम फिल करना है। स्ट्रीट में आपको कुछ भी फिल कर सकते हैं, अपना नाम फिल कर लो या मैं फिल करूँगा सिडनी। और पोस्ट कोड में आपको फिल करना है 6700 और फिर सिटी में आपको सिडनी ही फिल करना है SYDNY। और स्टेट में आपको फिल करना है न्यू साउथ वेल्स, वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। फ़ोन नंबर में एज इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम टू सेम फ़ोन नंबर फिल कर दो और डन के ऊपर क्लिक कर दो। और जैसे ही आप नेक्स्ट बटन के दबाने के बाद डन पे क्लिक करोगे, आपका ऐप स्टोर रिफ्रेश होगा और अब आप शेयरइट एप्लीकेशन को सर्च करोगे तो आपकी सर्च रिजल्ट्स में शेयरइट एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। यह सबसे आसान मेथड कि आपको एक नंबर मेथड से आप कैसे शेयरइट इंस्टॉल कर सकते हो, शेयरइट बेस्ट टूल। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो को देखने के बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।